सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन। तो मैं निकल चुकी हूँ अपने बुफे वीडियो बनाने के लिए। तो ये होने वाला है हमारा ब्रेकफास्ट बुफे, जो कि हम लोग करने वाले हैं होटल सूर्या में। यस, दी होटल सूर्या, जो कि है दिल्ली में। और यहाँ का जो बुफे टाइमिंग है वो है बेसिकली 7:30 to 10:30। तो हम लोग 7:30 ही निकले हैं ताकि 8 o'clock पहुँच जाए। हमारे घर से सिर्फ हाफ एन आवर का ही डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम होटल पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हमने कर ली है एंट्री। तो जल्दी से होटल के अंदर चलते हैं और मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि यहाँ पे बुफे की क्या वैरायटी होने वाली है, क्या क्या आइटम वहाँ पे अवेलेबल हैं बुफे के अंदर, और रेट्स और सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज, यहाँ पे पूरा मेंशन है कि किस टाइम पीरियड के अंदर रश होता है और किस में नहीं। तो 7 to 8 में जो है वो आपको खाली मिलेगा, और 9 to 10:30 के अराउंड अगर आप जाओगे तो आपको डेफिनेटली रश मिलने वाला है। और ये जो टाइमिंग्स हैं ये डिफरेंट है जो अभी मैंने आपको बताए थे, क्योंकि हमने नियर बाय ऐप से बुफे बुक किया था। तो वहाँ पर जो टाइमिंग मैंशन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप लोग जब भी जाने का प्लान करें तो आप कन्फर्म कर सकते हैं होटल में कॉल करके कि बुफे टाइमिंग्स क्या हैं। हो सकता है समर विंटर्स के अकॉर्डिंगली भी टाइम चेंज होते हो, और मे बी गेस्ट के लिए और आउटसाइडर्स के लिए भी अलग अलग होते हैं, ये भी पॉसिबल है। तो आप लोग कंफर्म करके ही जाइएगा। तो गाइज, यहाँ से बुफे स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हैं सारे सैलड के आइटम, उसके साथ हैं ड्रेसिंग्स, ऑयल। अगर आपको अपनी खुद के लिए सैलड बनानी है तो आप यहाँ से बना सकते हैं। साथ वाले काउंटर पे यहाँ पे थे चिकन, लैम्ब, चीज़ और ये सब आ जाते हैं, कॉर्नफ्लेक्स और सीरियल्स। इसके साथ हमारे पास हैं ड्राई फ्रूट्स, थोड़े से नट्स हैं, और उसके साथ है हमारे साथ हनी, एंड देन यहाँ पे है हॉट मिल्क एंड कोल्ड मिल्क। और उसके साथ यहाँ पे है दो टाइप के फ्रूट्स, ये है हमारे होल फ्रूट हैं एप्पल और बनाना, और उसके साथ अगर आपको कट फ्रूट भी चाहिए तो उसके ऑप्शन भी हैं। और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट इन्होंने रखा हुआ था आइस क्यूब्स का, भाई वो तो बहुत ही अमेजिंग था, क्योंकि जितने भी कोल्ड आइटम हैं वो सारे यहीं पर थे, चाहे जूसेज हों, चाहे वो योगर्ट्स थे या फिर वो फ्रूट्स थे, वो सारी चीज़ें उन्होंने यहीं पे रखी हुई थी कि बार बार उसमें गर्म होने का चक्कर ही नहीं, क्योंकि गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो इसीलिए यहाँ पे अब स्टार्ट हो जाता है, ये है छोले, छोले के साथ चॉप्ड अनियन, टमाटो एंड चिलीज थी छोले के ऊपर डालने के लिए, साथ में थे भटूरे और कुलचे का ऑप्शन था, और आलू की सब्जी भी थी, और उसके साथ था अचार और आलू का पराठा। देन यहाँ पे थोड़ा सा साउथ इंडियन टाइप सामान आ जाता है, एक तो ब्रेड पकौड़ा है, ब्रेड पकौड़े के साथ यहाँ पे है वड़ा, वड़े के साथ यहाँ पे है, उन्होंने जो ऑप्शन दे रखा था वो था उत्तपम का, जो कि काफ़ी यमी थे, और साथ में है ये वेजिटेबल दलिया और खीर। तो यहाँ पे एक काउंटर हो जाता है ख़त्म, और अब चलते हैं दूसरे काउंटर पे। यहाँ पे यह है लाइव काउंटर, यहाँ पे आपको डोसा भी मिल जाएगा, यहाँ पे आप एग्स की भी ऑप्शंस रख सकते हैं अगर आपको हाफ फ्राई खाना है या वेज ऑमलेट खाना है। और साथ में ही हम दूसरे काउंटर पर चलते हैं, वहाँ पर मिलेंगे हमें इडलीज, इडलीज के साथ वहाँ पर प्लेन इडली और मसाला इडली दोनों इडलीज अवेलेबल थी, साथ में था गुड़ पाउडर और साथ में था सांभर। तो साथ में इन्होंने घी भी रखा होता, मतलब आई डोंट नो, हम लोग तो घी डाल के नहीं खाते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो शायद इडली सांभर में घी डाल के खाते होंगे, मे भी इसीलिए घी का ऑप्शन भी था वहाँ पे। तो अभी हम चलते हैं दूसरे काउंटर पे, जो कि मेरा फेवरेट काउंटर है, वो है इन ब्रेड्स का। तो यहाँ पे डोनट भी थे, ब्रेड्स भी थे, मफिन्स भी थी, और उसके साथ साथ यहाँ पे पैनकेक और वॉफल का भी लाइव काउंटर था, कि अगर आपको पैनकेक और वॉफल खाना है तो वो आपको फ्रेश बना के देंगे, वहाँ पे शेफ़ अवेलेबल थे उस टाइम पे। तो ये है हमारा पैनकेक और वॉफल काउंटर। तो गाइस, उसके साथ यहाँ पे टोस्टर था, पीनट बटर था, नटेला था और मैंगो जैम था ब्रेड्स के लिए। तो गाइस, यहाँ से आता है स्विमिंग पूल का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू, और अब चलते हैं अपनी टेबल पे और इन्जॉय करते हैं ब्रेकफास्ट।
सो गाइज यहाँ पे मैं अपनी प्लेट ले आई हूँ जिसके अंदर है ब्रेड पकौड़ा, छोले, चटनी, इडली और आलू का पराठा। ये सब का टेस्ट, मतलब सारी चीज़ों का टेस्ट जितनी मैंने ट्राई की, ये वेज ऑमलेट है और साथ में मैंने ली थी कॉफ़ी, सबका टेस्ट A1 था। मुझे तो बहुत ही पसंद आया क्योंकि सारी चीज़ें तो मैं ट्राई कर नहीं सकती थी, बट जितनी भी चीज़ें मैंने ट्राई की हैं उन सबका टेस्ट बहुत ही ऑसम था। मुझे सीरियसली ऑमलेट तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, वेज ऑमलेट हर जगह का मुझे नहीं अच्छा लगता बट यहाँ का मुझे अच्छा लगा। और ये था हाफ फ्राई, बाद में हमने मंगाया था। लास्ट में आ जाते हैं मेरे फेवरेट और यमी आइटम, डोनट। मैं खाती नहीं हूँ, मैं यूबी के लिए लाई थी। और पैनकेक पे मैंने डाली है व्हिप्ड क्रीम और स्ट्रॉबेरी सॉस। तो यहाँ पे हमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, डन। और तो गाइस अब बात कर लेते हैं रेट्स की। तो यहाँ पे जो रेट्स है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ब्रेकफास्ट बुफे का पर पर्सन का रेट जो था वो 900 था इंक्लूडिंग टैक्सेस, और लंच और डिनर का जो रेट है वो आपके सामने ही है। तो ये है नियर बाय ऐप से अगर आप बुक करते हैं तो आपको ये प्राइजेस मिलने वाले हैं, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट मिल जाते हैं। तो आप नियर बाय ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने कोई भी बुफे बुक करना है। तो उसके बाद जाते जाते मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया होटल, काफ़ी खूबसूरत होटल है, बहुत ही प्यारा और बड़ा होटल है। और यहाँ पे आज के इस व्लॉग को, इस वीडियो को कर देती हूँ एंड। आई होप आपको बुफे 4 का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, क्योंकि आगे भी और बुफे मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने संडेज में। लास्ट संडे मैंने वीडियो नहीं डाला था क्योंकि मैं कहीं चली गई थी, तो बुफे का वीडियो बन ही नहीं पाया, तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट बुफे वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव फन, जय माता दी। अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा, बाय बाय।